गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो देयर दोस्तों, मेरा नाम केविन है। पर्सनल ट्यूटर के इस चैनल से रेगुलर अपडेट्स देते आया हूँ आप लोगों को। काफ़ी कमेंट्स, रिक्वेस्ट, सजेशंस आ रहे हैं कुछ टॉपिक्स कवर करने की, तो आज मैं आपको 11th स्टैंडर्ड की वोवन वर्ड्स बुक का एक चैप्टर ग्लोरी एट ट्वाइलाइट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसे भाबनी भट्टाचार्य ने लिखा है। ही वॉज बॉर्न इन 1906, ही डाइड इन 1988। साहित्य कला अकादमी का अवार्ड भी उन्हें मिला है। एंड काफ़ी विविड वे में वो कॉमन मैन की राइटिंग डिपिक्ट करते थे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में एक मेन प्रोटैगनिस्ट है, मतलब जो मेन पर्सन है जिसके आसपास इर्द गिर्द ये स्टोरी घूम रही है, वो बेसिकली एक पर्सन है जिसका नाम है सत्यजीत। अ वेल टू डू पर्सन, बहुत अच्छा मेंशन, बेसिकली मिलियनेयर कह सकते हैं। टैगोर स्ट्रीट, जो कि काफ़ी फेमस जगह है, यू नो, अगर हम देखें कलकत्ता में, तो वहाँ पे उनका घर है एंड उनकी दो कार्स हैं, उनकी वाइफ अपने पेरेंट्स के यहाँ दिल्ली में है। ही हैज़ जस्ट रिसीव्ड अ टेलीग्राम अबाउट हिज फर्स्ट चाइल्ड, दैट इज़ अ सन। प्लॉट स्टोरी का स्टार्ट होता है एक ट्रेन जर्नी से, एक ट्रेन जो कि एक कस्बे की तरफ जा रही है, एक गाँव की तरफ जा रही है। उस गाँव का नाम है शांतिपुर। जैसे कि हम विलेजेस की ट्रेन्स के हालात देखते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वैसे ही उस ट्रेन में भी कुछ ऐसे ही एक रूप बताया गया था। जगह जगह बिना किसी रीज़न के वो ट्रेन रुक जाती है, कहीं किसी खेत के पास, कहीं गांव के पहले। लोग बहुत कंप्लेन कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तब किसी ने ये सजेस्ट करा कि शायद वो गार्ड पीछे कहीं पर है, और वो जहाँ भी देखता है कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, कुछ खाने की चीज़ें मिल रही है, कुछ डेली नीड्स की चीज़ें हैं, तो गार्ड ट्रेन रुकवा के अपनी मर्जी से चीज़ें खरीदता चलते जा रहा है। ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है सत्यजीत। सत्यजीत ठीक है, ट्रेन में बैठा है, लेकिन उसके मन में बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही है दोस्तों। यहाँ एक डिस्क्रिप्शन और भी दिया गया है, मैं याद दिला दूँ आपको, कि जब ट्रेन रुकती, कुछ लोग तो बड़े यू नो लाइक कर्सिंग वे में कंप्लेनेंट के मैनर में रिएक्ट करते हैं, बट कुछ लोग जगह जगह ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और वाह क्या नज़ारा है ऐसा देखने के लिए करते हैं। यूजुअली इट हैपेंस इन द ट्रेन जर्नीज। सत्यजीत के मन में एक उथल पुथल चल रही है, वो कोशिश करता है कि मैं सिगरेट पी लूँ, लेकिन नहीं, वो कुछ सोच के उस सिगरेट संभाल के रख लेता है, क्योंकि एक हफ्ते पहले उसकी बैंक जिसमें वो जॉब करता था वो कोलैप्स हो गई थी। उसका सारा, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कार, उसका पैसा, सब कुछ अब चला गया था। हाँ, उसकी वाइफ दिल्ली में अपने मायके में है, अपने पेरेंट्स के साथ में। शी हैज़ जस्ट गिवन बर्थ टू हिज फर्स्ट चाइल्ड, अ सन, जिसके लिए सत्यजीत ने फाइनली अपनी एक हीरे की अंगूठी बेच के पैसे भिजवाए थे। नामकरण संस्कार की एक प्रथा होती है, उसको कंप्लीट करवाने के लिए। उसकी वाइफ को अभी तक ये नहीं पता था कि ये चीज़ क्या हो गई है, क्योंकि जब उसने शादी करी थी तब ही वॉज अ वेल टू डू पर्सन। ही वर्कड इन अ बैंक, क्लर्क से अकाउंटेंट बना था, क्योंकि ही हैड अ वेरी नाइस जॉल्स्ट ऑफ जजिंग पीपल। एक ऐसे ही वाक्य बताया जाता है कि उसने एक पर्सन को जो कि जालसाजी करने की कोशिश कर रहा था, एक चेक पे सिग्नेचर, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, बट स्टिल उसके ट्रेमलिंग हैंड्स और उसका फेस वहाँ पे उस सिचुएशन कंडीशन पे मैच नहीं कर रहा था। ही वाज एक्चुअली ट्रेमलिंग। अब सत्यजीत ने वो चेक के बेरर, जो ऑनर है उसको, मतलब लाइक जिसने चेक लिखा था उसको कॉल करा और पूछा, आपने 2000 रुपये का चेक लिखा है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब सत्यजीत का जो यू नो एक प्रेडिक्शन था वो यकीन में बदल गया कि नहीं, दिस मैन इज़ अ फॉर्जर। वो उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है, दूर रस्ते में, ज़्यादा दूर उसे जाना नहीं पड़ता है, वो आदमी वहाँ बैठ के रोता रहता है। सत्यजीत उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों करा? वो आदमी बोलता है, मेरी वाइफ को टीबी है, मैं एक बहुत ही रिच पर्सन के घर में उसके बच्चे को मैथ्स पढ़ाता हूँ और मेरी वाइफ को टीबी है, इस कारण से मैं ये करना चाहता हूँ। लेकिन उसे शर्म आ रही थी अब अपने ऊपर। वो कहता है, टीबी से भी ज़्यादा दुख तो मुझे इस शर्मनाक हरकत से आ रही है। सत्यजीत ने यू नो कुछ सोचा एंड देन ही डिड नॉट गिव हिम इन, ही एक्चुअली लेट द मैन लिव। तो उसका ये प्रेडिक्शन था जिसने उसको एक क्लर्क से अकाउंटेंट बना दिया था। सो ही वॉज वेरी गुड एट हिज वर्क नाउ। अब जब सब कुछ ख़त्म हो चला था, सत्यजीत का बैंक क्रैश हो गया है, उसका बैलेंस चला गया है, मनी इज़ गॉन, ही फाइनली रिसीड्स
टू हिज विलेज दैट इज कॉल्ड शांतिपुर. वहां पर एक अंकल श्रीनाथ थे, उनकी चार बेटियां थी बेसिकली. जब सत्यजीत वॉज वेल टू डू तो उसने अंकल श्रीनाथ की बेटियों की शादियों में काफी यू नो मदद करी थी मॉनेटरी वे में, एंड ही वॉज रिवर्ड नाउ. तो इस बार भी शादी हो रही थी सबसे छोटी बेटी की और उसे वहां पे इनवाइट किया गया था. सत्यजीत ने फाइनली सोचा चलो अब लाइफ में कुछ बचा है नहीं, एक बार अपने गांव घूम के आते हैं, देखते हैं, शादी तो अटेंड करते हैं. उसके पास मात्र 200 रुपये पड़े थे उसकी जेब में. उसने हिसाब लगाया कि चलो 150 रुपये दे देंगे, 100 रुपये में 1 रुपये, क्योंकि 0 का फिगर अच्छा नहीं रहता, ऑस्पिशियस 1 रहता है. 101 रुपये में दे दूंगा उस बच्ची को. किसी तरीके से ट्रेन गांव पहुंचती है फ्रेंड्स. गांव पहुंच के ट्रेन से जब सत्यजीत उतरने लगता है तो उसे दिखता है कि एक झुंड बड़ा सा उसकी तरफ आ रहा है, भारत का फ्लैग लेके पोल लगा हुआ है. एंड पीपल, यहाँ पॉलिटिक्स तो कुछ थी नहीं, लेकिन वहाँ देखता है अंकल श्रीनाथ एक बहुत बड़े ग्रुप को लीड करते हुए फाइनली आ रहे थे. और वहाँ आके वो सत्यजीत को ग्रीट करते हैं कि देखो ये है हमारे गांव का बेटा, इसने एक ऐसा नाम कमाया है शहर जाके, हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया है. सत्यजीत जानता था कि वो एक इम्पोस्टर के वे में आज यहाँ पर आया है, वो शायद लोगों की फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है. लेकिन सत्यजीत ने वहाँ चुप रहना ही ठीक समझा, मुनासिब समझा. दोस्तों वहाँ पर उसे एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची ने फूलों की माला पहनाई, उसका बड़ा आवभगत हो रही थी, स्वागत किया, एंड देन फाइनली उसको बैलगाड़ी पे बिठा के लेके गए अपने घर. अंकल श्रीनाथ की एक आदत थी दोस्तों, वो अपनी बेटियों की शादियों में हर किसी से मदद मांग मांग के अपनी बेटियों की शादी पूरी करवाते थे. अब जब वो घर पहुंचते हैं तो काफ़ी सारे लोग वहाँ बैठे रहते हैं. सत्यजीत के यू नो जो बेटी जिसकी शादी होने वाली थी सबसे छोटी, उसकी वो आती है, सत्यजीत के शूज़ खोलती है, लेसेस खोलती है, सॉक्स उतारती है और यू नो उसके पैर धोने लगती है. सत्यजीत एक आशीर्वाद सा दे देता है उसके ऊपर. और सत्यजीत को वहाँ पे अंकल श्रीनाथ की माँ की वाइफ जो रहती है, बेटी की माँ, उस बेटी की माँ ऑलमोस्ट रोते रोते सत्यजीत को बोलती कि आप शायद इनके पिता का फ़र्ज़ अदा करते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो मेरी बाकी की 3 बेटियों को आज जो फैमिली जो सेटलमेंट हुआ है, जो शादियाँ हुई हैं, वो नहीं हो पाती. और ऑलमोस्ट ये कहते कहते वो रो देती. सत्यजीत बहुत फील करता है उस वक्त कि हाँ, बट लेकिन उसे थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं. कहाँ मैं दुनिया की भागदौड़ में लगा हुआ था और यहाँ मैं अपने गाँव की जो बेसिक रिचुअलिटीज़ है, जो रिचुअल्स है, स्पिरिचुअलिटी है, ट्रुथफुलनेस है, सिंप्लिसिटी है, वो कहीं खो बैठा हूँ. सत्यजीत फिर बैठता है गांव के लोगों के साथ में बैठता है. वहाँ पर एक स्कूल मास्टर भी मिल जाते हैं जो सत्यजीत को किसी अरसे में पढ़ाया करते थे. वो सत्यजीत की तारीफ इस तरीके से करते हैं कि देखो ये वो बच्चा है जिसे मैं बचपन में यू नो पढ़ाया करता था. मुझे तो उसके आसपास 2 साए नज़र आते थे, एक गॉडेस सरस्वती और एक गॉडेस लक्ष्मी, और मुझे पता था कि ये बच्चा कहीं ना कहीं जाके एक बहुत बड़ी हस्ती बनने वाला है. और देखो आज तो गाँव के लोगों को ये लग रहा था दोस्तों कि सत्यजीत बेसिकली बहुत एक बहुत बड़े बैंक में काफ़ी बड़ा अकाउंटेंट है और उसकी बहुत सैलरी संपत्ति है, पैसे से वो बड़ा धनाढ्य आदमी है, ही इज़ अ रिच पर्सन आउट देयर. बट इनसाइड देयर सत्यजीत के मन में एक बात चल रही थी कि मैं किस तरीके से बताऊं कि अब मेरा सब कुछ लुट चुका है, आई एम हैंड टू माउथ राइट नाउ, मैं अब वो आदमी नहीं रहा. चलो किसी तौर पर सत्यजीत कहता है कि अब मैं विजिट कर लेता हूँ थोड़ा सा अपना गांव, गांव के खेत खलियान देखे काफ़ी अरसा हो गया था. एक मोड़ पे जाते जाते सत्यजीत अपने घर पहुँचता है, उसका पुश्तैनी मकान जो उसका बचपन में जहाँ पे वो रहते थे, उस घर की दीवारों को वो छू के एक एहसास फील करते हैं पॉजिटिवनेस का कि ये मेरा घर है. वहाँ पे किराएदार रह रहे थे, हालांकि एक पॉन्ड रहता है, वहाँ से सत्यजीत देखता है पॉन्ड के पानी को यू नो एक एहसास पूर्वक वे में अपने माथे पे लगाता है, सिर पे डालता है. उसे शांति मिलती है क्योंकि ये चीज़ फाइनली अब उसकी थी. ये एक गाँव का घर, वो पॉन्ड, वो अब सत्यजीत का था दोस्तों. अब सत्यजीत वहाँ पे एक फिश पकड़ता है, फिश लेके जाता है. जब वो फिश लेके जाता है तो अंकल श्रीनाथ बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं कि ये वाह, इसकी करी तो ब्राइड और ग्रूम दोनों रात में यू नो शादी के फास्ट के बाद खाएंगे और बड़ा ही ऑस्पिशियस सी बात हो जाएगी. फाइनली अंकल श्रीनाथ सत्यजीत को बताते हैं देखो इस बेटी की
साड़ियाँ, गहने, गहने तो माँ के पुराने गहनों से काम चल रहा है, साड़ियाँ वगैरह है, सब चीज़ें हैं, तो ये सब तो मिल जाएंगी इनको, कोई बात नहीं, सब कुछ दे चुके हैं हम। अब सिर्फ एक रेमिनेसेंस बचा है, थोड़ा सा काम बचा है। क्या? वो कहते हैं वो दावरी के पैसे जो हैं वो। सत्यजीत ने मन में हिसाब लगाया था कि यार चलो, अब मैंने तो सोचा था यार इस बच्ची को 151 रुपये दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास 200 रुपये हैं, मैं अपने बच्चे के लिए, पहले वो सोचता है 100 रुपये दूंगा अपने बच्चे के लिए, 50 रुपीज़ का कुछ सामान खरीदूंगा और उसके उससे मिलने जाऊंगा दिल्ली। बट यहाँ फिर वो सोचता है चलो ठीक है यार, मेरे बच्चे को मैं भले ही कुछ नहीं दूंगा, लेकिन इस बेटी को मैं कम से कम 151 रुपये का प्राइस मनी इनाम तो दे दूंगा। अब वहां पे अंकल श्रीनाथ बोलते हैं कि ज्यादा नहीं, हमें तो सिर्फ 2000 रुपए की जरूरत है, 2001 रुपए की। सत्यजीत वॉज लाइक फ्लैबरगास्टेड। वो 200 रुपए लेके एक जर्नी पे निकला है, एक शादी में आया है, और अंकल श्रीनाथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2000। सत्यजीत का टोन एकदम से बदल जाता है, बोलता है आपने मुझे लिखा क्यों नहीं, पत्र में क्यों नहीं लिख के बताया कि आपको 2000 रुपए की जरूरत है। शायद इस रीजन से सत्यजीत आता ही नहीं। तो अंकल बड़े मेयरली बोलते हैं यार तुम इतने बड़े रिच पर्सन हो, तुम्हारे लिए ये 2000 रुपये तो पानी की एक बूंद है एक तालाब में। सत्यजीत उस वक्त पानी की एक बूंद वर्ड्स सुन के इतना स्टार्टल्ड हो जाता है कि कहाँ वो अपनी सिगरेटें बचा रहा है, कि उसके पास अब वो चेन स्मोकिंग करने की लग्जरी नहीं है, एक मैंशन और उस चीज़ की नहीं है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड चीज़ ये हो रही है कि उससे 2000 रुपये मांगे जा रहे हैं। सत्यजीत कहता है कि यार मेरे पास 2000 रुपये तो है नहीं, मैं लेके नहीं आया हूँ, हाँ चलो एक चेक लिख देता हूँ, बट यहाँ बैंक, यहाँ गाँव में चेक किस भरोसे का, कोई तो तरीका होता। अब अंकल श्रीनाथ एकदम से स्टार्टल हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अरे ये क्या बात हुई, वो कमरे घर के अंदर चले जाते हैं, सत्यजीत जाके गाँव वालों के पास बैठ जाते हैं। देन इट हैपन्स सो दैट अंकल श्रीनाथ थोड़ी देर बाद आते हैं, सत्यजीत को इशारा करते हैं, बाहर लेके जाते हैं, कहते हैं, उनके टोन में थोड़ा सा एंगरनेस था, ये एंगर सत्यजीत के लिए नहीं था, ये एंगर था हरीश द मनी लेंडर के लिए। अंकल अंकल श्रीनाथ ने हरीश एक ब्याज देने वाले से बात करी थी और कहा था कि सत्यजीत के नेम पे लोन दे दो, लेकिन कहते हैं ना ये मनी लेंडर्स का एक सिक्स सेंस होता है, उनको पता रहता है कि उनका मनी कब वापस आने वाला है कब नहीं, तो हरीश ने शायद मना कर दिया था, अंकल को बड़ा गुस्सा आ रहा था। सत्यजीत कहता क्या मुझे इतना पूजा जा रहा है गाँव में, मुझे इतना रेवर कर रहे हैं, क्या ये बंदा मेरे नाम पे भरोसा करके पैसे नहीं दे सकता। अंकल श्रीनाथ कहते नहीं वो रेडी नहीं है, लेकिन अगर लड़की लड़के के पिता को ये बात पता चल गई तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। अब वहां पे वो थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। देन सडनली होता ये है कि अंकल श्रीनाथ सत्यजीत को एक बात बताते हैं, वो कहते हैं कि देखो हरीश पैसे देने के लिए तैयार तो है। सत्यजीत बोलता है अभी तो आपने बोला था नहीं, पर अंकल श्रीनाथ कहते हैं नहीं वो तैयार तो है, लेकिन उसके बदले में सिक्योरिटी मांग रहा है। सत्यजीत बोलते हैं सिक्योरिटी क्या, मेरा नाम सिक्योरिटी नहीं है क्या? बोलते नहीं वो तुम्हारा घर और वो पॉन्ड मांग रहा है एज अ सिक्योरिटी। सत्यजीत स्टार्टल हो जाता है दोस्तों वहां पे, उस मोमेंट वो एकदम से स्टार्टल हो जाता है कि अरे मेरे पास अब लाइफ में सिर्फ एक चीज बची है, मेरा गांव का घर और वो एक पॉन्ड जिसे मैं अपनी प्रॉपर्टी कह सकता हूँ, क्या वो भी चली जाएगी? लेकिन दूसरे तौर पे वो देखता है वहां पे उस बच्ची का जो विवाह होने वाला है, कहीं वो इस चीज के कारण रुक नहीं जाए। अब एक बहुत बड़ी कश्मकश आ जाती है दोस्तों इस पर्सन के अंदर, कहाँ उसने उसकी बहनों की शादियां करवाई थी जब वो अच्छा धनाढ्य पर्सन हुआ करता था, अब आज जब उसके पास लिविंग का कोई साधन नहीं रहा है, उसकी प्रॉपर्टी, उसका घर सब कुछ चले गया है, वो सिर्फ आशीर्वाद देने और अपनों से मिलने इस गांव आया था, लेकिन यहाँ पे आके उसकी खुद की एक प्रॉपर्टी भी जा रही है जो उसका आखिरी सहारा रह गया है। कुछ भी नहीं कहते हुए सत्यजीत कहता है ठीक है कोई बात नहीं, एक निश्वास की फीलिंग से वो कहता है कोई बात नहीं ठीक है, वो प्रॉपर्टी गिरवी रख दो, कम से कम 2000 रुपये आ तो जाएंगे और इस बच्ची की शादी हो जाएगी दोस्तों। फाइनली चैप्टर एंड यहाँ होता है, सत्यजीत को बताते हैं कि उसके टिन केस में लास्ट सिगरेट जो बची थी वो भी वो पी लेता है, नाउ वॉट, सोचते हुए कि अब क्या होगा, बस इस क्वेश्चन मार्क के साथ में ये चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। तो ये चैप्टर बेसिकली भाबनी भट्टाचार्य हमें एक क्वेश्चनिंग मोड में छोड़ के खत्म करते हैं दोस्तों, कि अब क्या हुआ होगा, मतलब
इसके बहुत सारे कंसेप्शंस निकल सकते हैं, बहुत सारे डेरिवेटिव्स निकल सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में एक चीज़ बड़े अच्छे से समझा दी गई थी कि वो पर्सन हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ देते आया था। आज इस मुकाम पे भी पहुंच के जब उसका सब कुछ चला गया है, उसने फाइनली ये डिसाइड करा कि चलो अब जब सब कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं रहे तो भी चलेगा। तो यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स या क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको रेगुलरली उसके अपडेट्स भी देते रहते हैं। अगर आपको इस बुक के दूसरे टॉपिक्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको सिर्फ टाइप करना है केविन लोपेज पर्सनल ट्यूटर और टॉपिक का नेम, एंड आपको वो टॉपिक रेडिली अवेलेबल मिल जाएगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। टेक केयर।